कामों पर आज चर्चा, तो पार्टी दफ्तर में मुलाकात करने वालों की भीड़ लगी। प्रदेश भर से टिकट के दावेदार पहुंचे सपा दफ्तर और निकाय चुनाव में टिकट मांगने वालों की लंबी भीड़ लगी है। पार्टी दफ्तर में मुलाकात करने वालों की भीड़ लगी है। लंबे समय बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज कार्यालय पर पहुंचे हैं और इस वक्त हम कार्यालय पर मौजूद हैं। कार्यालय के अंदर समाजवादी पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से अखिलेश यादव वन बाई वन मुलाकात कर रहे हैं और तस्वीरें हम कार्यालय के बाहर की दिखा रहे हैं कि जहां पर भी जो है वो नेताओं का जमावड़ा है और ज़्यादातर लोग अखिलेश यादव से जो है वो मिलने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। माना यह जा रहा है कि निकाय चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं तो टिकट के दावेदार भी समाजवादी पार्टी से उतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और जिन पर जो है वो मंथन भी किया जाना है। यानी कि जब मैनपुरी का चुनाव हुआ तो उसके बाद ये पहला मौका है जब अखिलेश यादव यहाँ पर पहुँचे हैं और तमाम कार्यकर्ताओं से, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, जिससे लोगों में उत्साह भी है, जोश भी है और वो हर कोई ये चाहता है कि अखिलेश यादव से वो मुलाकात करे। तो जाहिर है कि चूंकि चुनाव का टाइम है, निकाय चुनाव के वक्त टिकट के दावेदारों की संख्या भी बढ़ जाती है, ऐसी सूरत में तमाम जगहों से, पूरे उत्तर प्रदेश से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अखिलेश यादव से अपनी बात रख रहे हैं। ये भी बताया गया है कि जो पुराने कैंडिडेट्स थे, जो जीते हुए थे चुनाव पिछले निकाय चुनाव में, उन लोगों के टिकट्स नहीं काटे जाएंगे और नए लोगों को भी मौका दिया जाएगा जो लोग टिकट के लाइन में लगे हुए हैं। बहरहाल आने वाले वक्त में जब लिस्ट जारी होगी तो इन सारी चीज़ों का खुलासा होगा, लेकिन अखिलेश यादव के यहाँ पहुँचते ही हलचल ज़रूर बढ़ गई है। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।